हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए स्कूल लव स्टोरी ड्रामा की एपिसोड नंबर 2 की स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपने इस सीरीज़ की पहली वीडियो को नहीं देखा तो आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट होती है कि जब सोंजियोंग पानी में डूब रही थी तो उसी टाइम पर उसे बचाने के लिए पॉक्सू पानी में आ जाता है और फिर उसकी जान बचाकर उसे बाहर उठाकर ले आता है। फिर उसे किनारे पर लाकर रख के वो सीधा उस लेडी से अपनी पेमेंट लेने के लिए जाता है कि जिसने उसे पैसों का कहा था। इतने में सबको सोंजियोंग की फिक्र होने लगती है कि वो बेहोश थी, तो पॉक्सू ना चाहते हुए भी उसे होश में लाने के लिए मुड़ता है और फिर जब वो देखता है तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स क्लासमेट, उसका फर्स्ट लव सोंजियोंग थी। उसे देखते ही पॉक्सू हैरान रह जाता है। इतने में रेस्क्यू टीम आकर सोंजियोंग को हॉस्पिटल ले जाती है। पॉक्सू से रहा नहीं गया था तो वो भी पीछे पीछे हॉस्पिटल तक खींचा चला आता है। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसके स्टूडेंट यांगमिन से होती है, तो उसे पता चलता है कि सोंजियोंग अब एक टीचर बन गई है। यांगमिन उसे थैंक्स करता है लेकिन बदले में पॉक्सू उसे अपना बिजनेस कार्ड देकर प्रॉपरली थैंक्स करने को कहता है। इतने में ऊपर से मीडिया इकट्ठा हो जाता है और वो लोग सवालों की बौछार कर देते हैं। जैसे ही पॉक्सू मुड़ता है तो बहुत सी फीमेल रिपोर्टर्स के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि ये कितना हैंडसम लड़का है और काम भी हीरोज़ वाले हैं। इस टाइम पर पॉक्सू को बहुत ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिलती है और वो एक पब्लिक हीरो बन जाता है। उधर जब सोंजियोंग को होश आता है तो यांगमिन उससे मिलता है और वो पॉक्सू के बारे में उसे बताने ही लगता है कि ऊपर से उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद सोंजियोंग वॉक के बहाने बाहर आती है और अपना फ़ोन ड्राई करके उस ब्राइब लेने वाले ऑफिशियल म्योंग हू को फिर से कॉल मिलाने की ट्राई करती है लेकिन उसका नंबर बंद मिलता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो उसे एक वॉइस मेल सेंड करती है जिसमें वो अपना सारा का सारा गुस्सा निकाल देती है और उस आदमी को इतनी मोटी मोटी गालियाँ देती है कि बाहर खड़े पॉक्सू के कानों से धुआं निकलने लगता है। सोंजियोंग कह रही थी कि जो ब्राइब उसने दी थी वो उसके डैड के एक्सीडेंट की इंश्योरेंस की रकम थी और उसकी दादी बहुत बीमार है लेकिन उन्होंने कभी भी ये अमाउंट यूज़ ही नहीं की थी। कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी थी कि वो अपने डैड के खून की दी हुई रकम इस्तेमाल करे। और फिर वो एंड पर उसे धमकी देती है कि अब मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ, मैंने मौत को करीब से देख लिया है, अगर तुम मेरे सामने कभी आए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दूँगी। फिर थोड़ी देर बाद सोंजियोंग हॉस्पिटल में ही टीवी पर वो न्यूज़ चलती देखती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जान तो पॉक्सू ने बचाई थी। वो इतने सालों बाद पॉक्सू की अपनी लाइफ में ऐसे हीरोज़ की जैसी एंट्री देखकर हैरान रह जाती है और अपने हाई स्कूल की यादों में खो जाती है। फिर वो खुद को संभालती है कि पास्ट में कुछ भी नहीं रखा। फिर हमें एक न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस कराते हैं कि जिसका नाम सेहू है और वो एयरपोर्ट पर खड़ा कोरिया वापस आते ही यही पॉक्सू वाली न्यूज़ देखता है और देख कर हंसने लगता है। उधर अगले दिन सोंजियोंग जब स्कूल वापस आती है तो स्टूडेंट्स उसका वार्म वेलकम करते हैं और यांगमिन भी अपनी क्लास में वापस चला जाता है लेकिन उसके हालात नहीं बदले थे। उसे क्लास में कुछ बुली बॉयज तंग करते हैं और उसे एक लूज़र कहकर हर्ट करते हैं। अब जबकि स्कूल का ऑफ कोर्स इमेज काफ़ी ख़राब हो चुका था क्योंकि यांगमिन की न्यूज़ सारे मीडिया पर फैल गई थी और लोग स्कूल को क्लोज करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस बात से स्कूल की ऑनर बोर्ड की चेयरमैन काफ़ी परेशान थी और वो अपने असिस्टेंट को कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने को कहती है। स्कूल के टीचर्स में से किसी ने एजुकेशन मिनिस्ट्री में कंप्लेंट भी कर दी थी जिसकी वजह से वाइस प्रिंसिपल सारे स्टाफ पर आकर बहुत गुस्सा करता है और ऊपर से सोंजियोंग भी आ जाती है।
आज संजयोंग मौत का फ्रेश सामना करने के बाद थोड़ी सी ब्रेव हो गई थी और वो वाइस प्रिंसिपल को भी चुप करा देती है और सारे परमानेंट सीनियर टीचर्स को भी, जो उससे जूनियर होने की वजह से अपने हिस्से के सारे काम कराया करते थे। वो सारे लोग संजयोंग के इस बदलाव को देखकर काफ़ी हैरान होते हैं कि जैसे लगता है कि डूबने से उसके सर पर चोट लग गई हो। फिर बाहर आकर संजयोंग खुद ही अफसोस करती है कि मुझे इतनी बकबक नहीं करनी चाहिए थी, ये ना हो कि इस टेम्प्ररी जॉब से भी फारिग कर दी जाऊँ। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि बॉक्सू की सारे मीडिया में धुएं मचाने के बाद पुलिस कमिश्नर उसे एक सेरेमनी में बुलाकर ब्रेव सिटीज़न का अवार्ड देता है। बॉक्सू ना चाहते हुए भी नेशनल हीरो बन गया था कि जिसने अपनी जान पर खेलकर एक स्कूल टीचर की जान बचाई थी। फिर हमें अगले सीन में पता चलता है कि सेहू स्कूल ऑनर का बेटा है और वो अब्रॉड से पढ़कर अभी वापस आया है और वो अपनी मॉम को स्कूल की रेपुटेशन ठीक करने का ये सॉल्यूशन देता है कि बॉक्सू कई साल पहले स्कूल से डिसमिस कर दिया गया था, उसने आगे एजुकेशन छोड़ दी थी, तो हम बॉक्सू को वापस फिर से स्कूल में पढ़ने का चांस देते हैं। इसी तरह से वो नेशनल हीरो जो सारी दुनिया की नज़रों में है, हम उसको एजुकेट करके अपनी रेपुटेशन ठीक कर सकते हैं। उधर बॉक्सू का टीचर भी बहुत सालों बाद आज उसे मिलने के लिए जाता है और वो बातों बातों में उसे कहता है कि संजयोंग से जाकर मिलो, अपने दिल के सारे गिले शिकवे दूर करो। लेकिन उसकी ये बातें बॉक्सू को गुस्सा दिला देती हैं और वो टीचर को जाने का कह देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्कूल दौर में कोई एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था कि जिसकी वजह से संजयोंग और बॉक्सू की लाइफ में तूफान आ गया था। बॉक्सू घर आकर भी उन्हीं यादों को लेकर अपसेट रहता है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि क्लास में जो ग्रुप्स बने थे, एक नालायक स्टूडेंट का और एक लायक का, उसमें बॉक्सू और संजयोंग के ग्रुप ने बेस्ट प्रोग्रेस की थी। लेकिन ये तो किसी को भी नहीं पता था कि ये सब बॉक्सू ने संजयोंग की खातिर किया था। फिर संजयोंग बॉक्सू को छत पर बुलाती है और उसे उसकी मेहनत पर उसके लिए एक अवार्ड भी बनाती है, फिर वो उसे दे देती है। लेकिन बॉक्सू सिर्फ इतने से खुश नहीं था, वो संजयोंग को जाते जाते रोक लेता है और उससे एक एडिशनल प्राइज मांगता है, तो संजयोंग जवाब में उसे किस कर लेती है और चुप करा देती है। बस फिर क्या था, फिर तो बॉक्सू जैसे दीवाना सा हो गया था और क्लास में भी सारा टाइम संजयोंग को ही देखता रहता था। फिर अगले सीन में हमें प्रेजेंट में ले आते हैं कि बॉक्सू ना जाने क्यों ना चाहते हुए भी उस आदमी को तलाश करने में लग जाता है, म्योंगू, जिसने संजयोंग को धोखा देकर ब्राइब ली थी। उसका फ्रेंड उसे बहुत मना करता है कि संजयोंग इस काबिल ही नहीं कि तुम उसकी हेल्प करो। इतने में उनके ऑफिस में उनका एक एक्स टीचर आ जाता है और वो बॉक्सू को ऑफर देता है कि फिर से स्कूल ज्वाइन कर लो। ऊपर से बॉक्सू की मॉम भी आ जाती है और वो उस टीचर को बहुत डांटती है कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरा बेटा उस स्कूल में कभी भी नहीं जाएगा। जब टीचर ये न्यूज़ जाकर स्कूल में सुनाता है तो आगे से उस पर प्रेशर डाला जाता है कि हमें हर हाल में बॉक्सू वापस स्कूल में चाहिए। ये सब कुछ संजयोंग भी सुन लेती है। फिर अगले दिन बॉक्सू अपनी मॉम के रेस्टोरेंट की एक डिलीवरी करने जाता है तो आगे से घर पर उसे सेहू नज़र आता है, जिसने जानबूझकर ये ऑर्डर किया था ताकि बॉक्सू से मिल सके। बॉक्सू एकदम से परेशान हो जाता है, फिर सामने खाना रख कर वो जाने लगता है तो सेहू उसे वापस स्कूल आने की बात करता है और बदले में बहुत सारे पैसों की ऑफर भी करता है। ये सुनकर बॉक्सू को गुस्सा आ जाता है और वो पुरानी बातें याद करके अपसेट हो जाता है, फिर बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाते हैं कि बॉक्सू उस धोखेबाज म्योंगहे तक पहुंच जाता है, जिसने संजयोंग के पैसे खाए थे, और वो आदमी भागते भागते एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। ये मंजर देखकर बॉक्सू को अपना स्कूल का टाइम याद आ जाता है कि जबकि एक दफ़ा सेहू और बॉक्सू की संजयोंग को लेकर लड़ाई हो गई थी और सेहू बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया था,
सब लोग बॉक्सू को गलत समझते रहे और सेहू ने भी होश में आकर बॉक्सू के खिलाफ स्टेटमेंट दी थी कि उसी ने ही उसे छत से धक्का दिया है। साथ ही साथ संजयोंग ने भी बॉक्सू पर ही इल्ज़ाम लगा दिया था कि उसी ने ही सेहू को गिराया है। इस बात ने बॉक्सू को अंदर तक हर्ट कर दिया था कि संजयोंग उसे कैसे गलत समझ सकती है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। वो इन्हीं यादों में खोया रह जाता है और म्योंग को उसके सामने से भाग जाता है, लेकिन आखिरकार बॉक्सू उसे पकड़ ही लेता है और वो अच्छी तरह उसकी तबीयत साफ कर देता है। और फिर म्योंग इस हालत में अगले सीन में संजयोंग के आगे बैठकर माफ़ी मांगता है और संजयोंग उसे पुलिस के पास ले जाने ही लगती है, लेकिन फिर उसे एहसास दिलाता है कि तुम क्या कहोगी कि मुझे ब्राइब दी थी जो मैंने खा ली, और फिर वो माफ़ी मांगकर चला जाता है। म्योंग हू को फिर से जब बॉक्सू मिलता है तो पीछे से संजयोंग भी उनको देख लेती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो बॉक्सू को बहुत डांटती है कि उसके मामलात से दूर रहे, तो आगे से बॉक्सू को भी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को ताने दे दे कर लड़ने लगते हैं। यहाँ पर संजयोंग गुस्से में उसे कहती है कि तुम तो एक स्कूल से ड्रॉप आउट कर दिए गए हो, तुम्हें अब स्कूल वाले अपनी गलती को कवर करने के लिए बुला रहे हैं, तभी तुम खुद को बड़ी चीज़ समझ रहे हो, कभी वापस मत आना। फिर अगले दिन संजयोंग की मुलाकात सेहू से होती है और यहाँ हमें पता चलता है कि स्कूल लाइफ में सेहू, संजयोंग और बॉक्सू की लव ट्राइंगल थी। फिर बातों बातों में सेहू संजयोंग को ऑफ़र देता है कि अगर तुम किसी तरह बॉक्सू को स्कूल में वापस ले आओ तो मैं तुम्हें एक परमानेंट टीचर लगा दूंगा। बॉक्सू भी करीब ही उसी रेस्टोरेंट में एक लड़की का बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहा था, तो वो ये सब बातें सुन लेता है और बहुत ही अपसेट हो जाता है और सोचता है कि मैं खामोशी से अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ और ये लोग फिर से मेरी लाइफ को नरक बनाना चाहते हैं। इतने में बॉक्सू न्यूज़ में देखता है कि सेहू उनके स्कूल का न्यू चेयरमैन बन गया है और तभी वो फैसला करता है कि अब मुझे इन लोगों से बदला लेना होगा और उसे अपनी लाइफ से वो मज़ीद नहीं खेलने देगा। फिर अगले दिन संजयोंग स्कूल में देखती है कि बॉक्सू स्कूल यूनिफॉर्म पहने सामने आया खड़ा है और उसने स्कूल दोबारा से ज्वाइन कर लिया है और उसके फेस पर साफ साफ एक ही चीज़ लिखी नज़र आ रही थी और वो था रिवेंज। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय।